Okay, dear students, let us continue with the topic arithmetic progression. Class 11th का तुम लोगों का topic. इसमें मैंने 6 question आज cover करने हैं तुम लोगों के लिए. इसके पहले के जो 5 questions हैं, पिछले videos में cover किए हुए हैं. So you can refer to those questions. Now see what the question is. It is given if the sum of certain number of terms of AP ये arithmetic progression दी हुई है. Sum question में बताया हुआ है कितना है 116. तो तुमने लास्ट टर्म बतानी है इसमें कि व्हाट इज द लास्ट टर्म. तो जब भी एपी का क्वेश्चन है हमेशा ध्यान रखना है ऑलवेज कंसंट्रेट टुवर्ड्स ए एंड डी. इसकी हेल्प से ही हमारे सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं. नाउ सी हियर द क्वेश्चन इज टर्म्स पहले हमने लिख ली 25 22 19. इसमें फर्स्ट टर्म यू कैन सी इट इज 25. देन कॉमन डिफरेंस कितना है. कॉमन डिफरेंस कैसे बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो 22 माइनस 25 मैंने लिखा तो कितना आ गया माइनस 3. तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया. अब क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट में बतानी है और बताया हुआ है कि कुछ टर्म सम ऑफ सर्टेन टर्म्स दैट इज कुछ टर्म्स को हम लेंगे तो उसका सम कितना दिया हुआ है एज पर द क्वेश्चन इट इज 116. तो हमने ले लिया लेट देयर बी एन टर्म्स whose sum is 116. इसका मतलब हमने Sn का फॉर्मूला डाल देना है 116. Sn का फॉर्मूला क्या होता है n upon 2 2a plus n minus 1 into d is equals to 116. मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है लास्ट टर्म. लेकिन मैंने इसमें a plus l वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है. क्यों नहीं लगाना है क्योंकि मुझे तो n भी नहीं पता. तो हमें अगर मैं a प्लस l लगा दूंगी तो n भी अननोन l भी अननोन दो मेरे पास अननोन हो जाएंगे. तो मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसमें a और d दोनों डाल देंगे तो मेरी पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन बचेगा दैट इज n. वो हम फाइंड करेंगे. तो हमने ऐसे लिखा n upon 2 2 into a a है 25 plus n minus 1 into d d या जो भी वैल्यू जब भी नेगेटिव है उसको हम प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए ब्रैकेट डालना नहीं भूलना. जो ये छोटी छोटी चीजें बताती हूँ उसको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इनसे तुम लोगों की जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो अवॉइड हो जाएंगी. नाउ सी हियर इट इज n ब्रैकेट में 2 into 25 ये हो गया 50. इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 into n तो ये माइनस 3n माइनस into माइनस प्लस 3 और ये जो नीचे 2 था ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना तो 116 इंटू 2. ठीक है ये नीचे वाला 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये आ गया 50 प्लस 3 हो गया 53 माइनस 3n इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई किया तो 232. नाउ वी ओपन द ब्रैकेट इट इज 53n माइनस 3n स्क्वायर और इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया माइनस 232 इज इक्वल टू 0. अब इसकी हेल्प से हम n फाइंड करेंगे. तो पहले इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं. तो प्रॉपर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमने पहले n स्क्वायर की टर्म तो ऐसे लिखा माइनस 3n स्क्वायर और इसके बाद फिर n की टर्म सो प्लस 53n उसके बाद कांस्टेंट यानी माइनस 232 इज इक्वल्स टू 0. a और d हमारा कितना था हम यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमारा यूज होगा. a और d is minus 3. Now, याद रखना है कभी भी n square या first term जो quadratic की होती है वो कभी भी negative नहीं होनी चाहिए. अगर negative है तो throughout sign change कर देने हैं. That means हम minus से multiply कर ले ऐसे समझ लो या फिर हमने दोनों तरफ minus common लेके cancel कर दिया. तो तुमने ऐसे understand करना है कि minus से हमने change कर देना. तो change किया तो ये क्या बन गया 3n square positive हो गया. इसको चेंज किया तो माइनस 53n इसको लिखेंगे तो प्लस 232 इज इक्वल टू 0. अब इसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए किसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 और सॉरी 3 और 232 तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टराइज करना है. ये क्या साइन है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना है मुझे कि जो 53 नंबर है वो हमारा इसके फैक्टर्स को ऐड करके आएगा. तो मैंने इसको फर्दर फैक्टराइज इसे कर लिया 3 इंटू इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29
ठीक है, इस फॉर्म में इसको सारे को मैंने फैक्टराइज, जैसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं इस तरीके से। अब इसमें इन सबको अगर लिखा तो कितना आ गया 3 8 24 और ये हो गया 29। तो 24 और 29 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 53, लेकिन मुझे साइन चाहिए था माइनस, तो मैंने दोनों पे माइनस डाल दिया ताकि प्रोडक्ट होके फिर से पॉजिटिव हो जाए, और अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस 53 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी स्प्लिट द मिडिल टर्म विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ऐसे लिखा माइनस 24n एंड माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। देन अब इन दोनों में कॉमन ले रहा है, तो यू कैन सी 3n इज कॉमन, तो n माइनस 8। इसमें माइनस है तो माइनस कॉमन, 29 कॉमन था क्योंकि मुझे पता है 232 इज 8 इंटू 29, तो यहाँ n क्योंकि माइनस कॉमन ली है तो फिर इधर ऐसे लिख दिया। सो इट इज 3n माइनस 29 और दूसरा हो गया n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स, हमने फिर दोनों को 0 के इक्वल करके n की वैल्यू बता देनी। तो दोनों को 0 के इक्वल कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, तो ऐसे लिखा यहां से n की वैल्यू इज 29 अपॉन 3 और इधर से जब हमने कैलकुलेट किया तो n इक्वल्स टू 8। तो एक चीज याद रखनी है कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज इट शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो ये फ्रैक्शन है तो दिस इज नेगलेक्टेड, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया ओनली 8, लेकिन आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन था हमारा फाइंड द लास्ट टर्म, n इज इक्वल टू 8 का मतलब हो गया देयर आर 8 टर्म्स इन द गिवन एपी विच विल मेक द सम, कितना दिया था सम 116। इसका मतलब 8 टर्म्स देते हैं तो उसका सम 116 है, लेकिन क्वेश्चन का पार्ट है लास्ट टर्म निकालनी। अब लास्ट टर्म हम फाइंड करते हैं, देयरफॉर लास्ट टर्म इज नथिंग बट nth टर्म। n कितना आया हमारा, n अभी हमने लिखा है 8, तो इट इज a8। a8 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना आ गया, दिस इज a प्लस 7d। a की वैल्यू कितनी लिखी हमने 25 और 7 इंटू डी कितना है माइनस 3, तो कितना हो गया कैलकुलेट होके इट इज 25 और 7 इंटू माइनस 3 कितना आ गया हमारा माइनस 21, तो कितना आंसर हो गया 4। That means last term is 4. So this is the way we should find out. जब भी क्वेश्चन एंड करो तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो कि जो चीज तुम्हें क्वेश्चन में पूछी गई है वो तुमने एंड में आंसर की है कि नहीं की, ये ना कि बीच में कहीं पता ही नहीं लगे कि हम कर क्या रहे थे। तो क्लियर, तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट नया वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तुम लोग के पास इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली पहुंच जाए। तो ब्लेस यू ऑल।